हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय सेल्फ निहार रंजन नंदा। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस यूनिट टू ऑफ द टॉपिक माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो पिलामाने हमें ऑलरेडी यूनिट टू कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्लस टू सेकेंड ईयर पिला मानकर फास्ट प्रोस माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो फास्ट यूनिट से थिला। एबे हमें यूनिट टू डिस्कस करिबा। जो माने यूनिट वन देखिना से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है छि, तो मैं से लिंक को क्लिक करे कि यूनिट वन फास्ट देखि नै पारिबो। तो हमें वार्म अप देखिबा। तो एंगर इज द मोस्ट एनिमी ऑफ एन एथलीट। क्रोध होउछि गोटे एथलीट रो बा गोटे प्लेयर रो, एथलीट माने खेलाड़ी बा प्लेयर, गोटे प्लेयर रो सबुटु खराब शत्रु। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट हाउ ओएन सफर्ड फॉर हिज एंगर। एबे यूनिट को पढ़ और बाहर कर, खोजी बाहर कर जे ओएन्स केमती सफर करिसेंती, तांकर क्रोध जोगु से केमती प्रभावित होइछेंती। एंड हु बेल्ड हिम आउट, आउ किए सेठु तांको रिलीज करिछि। बेल्ड आउट मीन्स रिलीज्ड। बेल्ड हिम आउट माने किए तांको सेठु रिलीज करिछि, बाहर को आनिछि, सेटा आमे देखिबा। ठीक अछि, तो द टेक्स्ट प्लान स्टार्ट करिबा। An angry athlete is an athlete who will make mistakes. तो जोने एंग्री आथलेट जोने क्रोधी खेली होची एमते को खेली जे की किछि भूल करी थाए। As any coach will tell you, तुमको एक कथा जे कौन से कोच खेलला से माने जे कौन से कोच तुमको से कथा कहि थिबो। आई वाज नो एक्सेप्शन, एवं मो क्षेत्र मध्य कौनसी व्यतिक्रम नथिला, मोर मध्य कौनसी व्यतिक्रम नथिला बोली एठी जेसी ओएंस कहउछन्ते। ऑन द फर्स्ट ऑफ माय थ्री क्वालिफाइंग जंप्स, मोर प्रथम तीनोटा क्वालिफाइंग जंप्स रे कौन हला, आई लिफ्ट लेफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक अप बोर्ड फॉर ए नो जंप। तो से कहते ऑन द फर्स्ट ऑफ माय थ्री क्वालिफाइंग जंप, मोर तीनोटा क्वालिफाइंग जंप रो फर्स्ट जंप रे कौन हला, आई लिफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक अप बोर्ड। मु टेक अप बोर्ड रो बहुत आगरु किछि इंच आगरु मु जंप करली फॉर ए नो जंप, जहाँ कि नो जंप थिला बा सेठी मु डिस्क्वालीफाई हो जाइली। माने जदि टेक अप बोर्ड आगर जन जंप करे तो ताकू डिस्क्वालीफाई बोली कहा जाए। टेक अप बोर्ड कौन पिला माने टेक अप बोर्ड एमती गोटे बोर्ड से लाइन जोटि कि प्लेयर्स मैंने धाई कि आसिकी जो लाइन रू से जंप करते कहा जाए टेक अप बोर्ड। जोड़ी आथलेट मैंने जो लाइन रू जंप करते कहा हूँ टेक अप बोर्ड। तो से कहते आई लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट मीन्स जंप, आई लेफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक अप बोर्ड फॉर ए नो जंप। जो मोर प्रथम तीन टा क्वालिफाइंग जंप रे मु फर्स्ट जंप रे कौन कली, तो तीन टा क्वालिफाइंग जंप रे प्रथम जंप रे मु कौन कली, मु किछि इंच आगरु डेली टेक अप बोर्ड रो किछि इंच आगरु डेई देली जोडा कि नो जंप थिला, ता माने से डिसक्वालीफाई हे जाइथिले। ठीक अछि, ऑन द सेकंड जंप आई वाज इवन, आ द्वितीय जंप रे कौन हिछि मु आई वाज इवन वर्स, मु आहुरी खराब प्रदर्शन कली। एवं द्वितीय जंप रे से कहते आई वाज इवन ओर्स, ता माने द्वितीय जंप रे से आहुरी खराब प्रदर्शन कले। तापर से निजे निजे क्वेश्चन करुछन्ते, निजे निजे पचारुछन्ते डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, कौन मुझे 3000 माइल सेथिपे आसथिली कि, कौन मुझे 3000 माइल आसछि एथि कौन एही कारण पे आसथिली कि मु डिस्क्वालीफाई हे जेबी ट्रायल जंप रे हि मु डिस्क्वालीफाई हे जेबी। आई थॉट बिटरली, मु ए कथा बहुत गंभीर भाव रे चिंता कली। टू फेल इन द ट्रायल एंड मेक ए फूल ऑफ माय सेल्फ, जे मु ट्रायल रे फेल हो जीवी निष्फल हो जीवी अब निजे को मु गोटे बका बनाई देवी, कौन से मु 3000 माइल डिस्टेंस आसली कि बोले जे समय निजे निजे क्वेश्चन करपर देख कौन है पे वाकिंग ए फ्यू यार्ड फ्रॉम द पिट, तो से पिट रू कि यार्ड चलिकी पिट मैंने खाई जोड़ी जंप करती टेकअप जंप कला तुम जोड़ी जंप कर खाई को कहा पिट बोली कहा जोड़ी की बाली पड़ी था। ठीक अच्छे, तो वाकिंग ए फ्यू यार्ड्स, तो किसी गज दूरता यार्ड मैंने गज किसी गज दूरता मुझे पीठ चलला आई किक डिस्कस्टेडली आट द ग्राउंड, मुझे विरक्ति भाव में मटी में बहुत जोर किक मारिली तले बहुत जोर गईठा मारिली। केमती तुम देखि जिते बड़े आम खेलती तो क्रिकेट खेलला बेल हो कि कौन गेम खेलला बेल होते आम ठीक भाव में प्रदर्शन करें रागि कौन करते बैट को बहुत जोर तले बाड़े दे लाइक दिस से डिस्क्वालीफाई हो गले टू जंप रे फर्स्ट जंप रे डिस्क्वालीफाई हेले सेकेंड जंप रे डिस्क्वालीफाई हेले तो से किसी गज दूरता चलिए से पीठ रे तापर से माटी रे बहुत जोर रे डिस्कस्टेडली विरक्ति भाव रे से कौन कले ना किक मारिले गोईठा मारिले। सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माय शोल्डर,
तो हठात मु मोर कांधरे गोटे हाथ मु अनुभव कली। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर। तापर मुझे तो टर्न कली बुल्ली के देखिली देखियो पाइली कौन टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर। गोटे डेगा सी ऊंचा जो जर्मन लॉन्ग जंपर थिला से जर्मन बॉय थिला जे कि गोटे ऊंचा पिला थिला टिके डेगा थिला सी जर्मन लॉन्ग जंपर को मु देखिया को पाइली एवं तार फ्रेंडली ब्लू आईज को मु देखिया को पाइली तार बंधुत्वपूर्ण नील आखि को मु देखिया को पाइली। He had easily qualified for the finals on his first attempt. आउ से तार प्रथम प्रचेष्टा रे से बहुत सहज रे फाइनल पे क्वालिफाई करि जाय थिला। ठीक अछि। He offered me a firm handshake एवं तापरे से मते गोटे दृढ़ हैंडशेक ऑफर कला। फार माने कौन दृढ़ शक्त हैंडशेक मते से ऑफर कला ताडू से हाथ बढ़ला हैंडशेक करिया पई। तो जेसे ओएंस आई एम लॉज लॉन्ग तो से कहिला जेसे ओएंस मु होछि लॉज लॉन्ग। आई डोंट थिंक वी हैव मेट जे मते काई लागोने आमे पूर्वरु भेट होई छंती। एक कथा कहूँ किए ना से जर्मन लंग जंपर कहूँ जे जेसे ओएंस आई हैव लॉज लॉन्ग से हैंडशेक करने हाथ बढ़ी कहूँ जेसे ओएंस मुझे लॉज लॉन्ग। आई डोंट थिंक वी हैव मेट मत कहीं लगे ना आम पूर्व भेट होती। स्पोक इंग्लिश वेल दो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट से जदि इंग्लीश भल कौला तथापि से किसी जर्मन ट्विस्ट रोला किसी जर्मान मोड़ रोला। हि स्पोक इंग्लिश वेल दो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट तर जर्मन ट्विस्ट रे इंग्लिश भलो इंग्लिश कहूला जदिव से टिके जर्मन ट्विस्ट रोला। ठीक अच्छे। ग्लाड टू मीट यू आई सेड तापर तार एक कथा शुणी मुँ कहली मैंने जेसी ओंस कहूँ नेरेटर जेसी ओंस कहते आई सेड मुँ कहली ग्लाड टू मीट यू तुमको देखी खुशी लगला। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्भसनेस तापर मोर नर्भसनेस को छुपेपी चेष्टा कली कली आई आडेड हाउ आर यू तो मुझ मोर नर्भसनेस को छुपेक चेष्टा करहली हाउ आर यू तुम्हें केमती अच बोली पचारि मैंने जेसी ओंस कहते जेसी ओंस रिप्लाई कले ग्लाड टू मीट यू तुमको देखिए खुशी लगला। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्भसनेस मोर नर्भसनेस को छुपेप चेष्टा करोड़ी आई आडेड मुझे कथा आगे जोड़ी कौन कहली ना हाउ आर यू तुम्हें केमती अच बोली मुझे पचारि आई एम फाइन द क्वेश्चन इज हाउ आर यू मुझे ठीक अच्छे किंतु क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन हूँ तुम्हें केमती अच बोली से जर्मन लॉन्ग जंपर पचारा जार ना था लॉज लॉन्ग। लॉज लॉन्ग रिप्लाई दला आई एम फाइन मुझे भल अच्छे आई एम फाइन मुझे भल अच्छे द क्वेश्चन इज हाउ आर यू प्रश्न हूँ तुम्हें केमती अच व्हाट डू यू मीन आई आस्क्ड तापर नेरेटर एटे जेसी ओंस पचारे आई आस्क्ड मैंने नेरेटर पचारे जेसी ओंस पचारे मुझे पचारि आई आस्क्ड व्हाट डू यू मीन कौन कह चाहु मुझे पचारि तापर तार रिप्लाय कौन थी देखा मुझे जो पचार तुम्हें कौन कह चाहू तो तार रिप्लाय थिला समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू हि सेड से कहला तुमको किसी जिन खाई जाऊँ इट मीन्स समथिंग मस्ट बी ट्रबलींग यू मस्ट बी ईटिंग यू मीन्स समथिंग मस्ट बी ट्रबलींग यू किसी जिसको परेशान रखुच्छे किसी जिस परेशान रोच चिंतित रोच समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू मीन्स समथिंग मस्ट बी ट्रबलींग यू तो से कथा कहला केमती कहला ना प्राउड द वे फॉरेनर्स आर व्हेन दे हैव मास्टर्ड ए बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग तो से जो कथा कहला समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू एक से प्राउड मैनर में कहला गर्व गर्वी हिकटी गर्वर सहकारे कहला जमीती कि जड़े फॉरेनर टिके अमेरिकन स्लैंग रे मास्टर करिगले बा अमेरिकन स्लैंग टिके से जानीगले जो उपरे गर्व रे अमेरिकन स्लैंग यूज करी कही था से भी सेमती टिके गर्व अनुभव कला जेतेबेले से इस स्लैंग रे कहिला जो कहाई छिना समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू ये हो छोटे अमेरिकन स्लैंग तो समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू इट मीन समथिंग मस्ट बी ट्रबलींग यू जो किसी जिस तुमको चिंतित रखुच्छी तो यहाँ गोटे अमेरिकन स्लैंग एक से कहला बेले सीटे प्राउड फील करुला जेहतु से अमेरिकन स्लैंग कहूला तेणु से जेहतु अमेरिकन स्लैंग सीटे मास्टर कला भाई प्रतीत होता तेणु से प्राउड फील करुला जमी फरेनर मैंने प्राउड फील करती गोटे विदेशी लोक मानने अमेरिकन स्लैंग कहले प्राउड फील कै से भी सेमती प्राउड फील करके कहले समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू इट मीन समथिंग मस्ट बी ट्रबलींग यू तुम किसी जिस परेशान रखुच्छी यू सुड बी एबुल टू क्वालिफाई विथ योर आईज क्लोज्ड ये तुमको तुम्हें तो बहुत इजी जिनस तुम्हें ये जम्प को तुम्हें आखि बंद करके जीति पार तार अर्थ तुम्हें बहुत इजिली क्वालिफाई कर पार जो कहे
यू सुड बी एबुल टू क्वालिफाई विथ योर आईज क्लोज्ड। तो तुम तुम आखि बंद करके तुम जीति जापार तुम तुम आखि बंद करके भी क्वालिफाई हो जापार। एक लज लंग को हूँ जेसी ओवेन्स कौनपाई जेसी ओवेन्स दीटा जो अटेम्प्ट दीटा अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट आ सेकेंड अटेम्प्ट जेसी ओवेन्स कौन है ना जेसी ओवेन्स फेल्ड हो गले फेल है डिस्क्वालीफाई हो गले डिस्क्वालीफाई है जेसी ओवेन्स तुम एडवाइस करुँच यू सुड बी एबल टू क्वालिफाई योर आईज समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू ये तुमको किसी जिन खाई जाऊँगी जे जहाद्वारा कि तुम भल खेली पार न ठीक अच्छे यू सुड बी एबल टू क्वालिफाई थोर आईज क्लोज तुम तो बहुत सहजरे तुम आखि बंद करके तुम जीति जापार कि तुमको किसी जिन खाई किसी जिन तुमको चिंतित रखुचे। बिलीव मी आई नो इट आई टोल हिम तो ये समय मुँह कहली मैं जेसी ओवेन्स कहते बिलीव मी मत विश्वास कर एक मुझे जाने आई नो इट बिलीव मी आई नो इट मत विश्वास कर मुझे एक जाने एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन आई जन लोक एक कह बेले भल फिल थाए मैं जेसी ओवेन्स कहते तुम्हें जो मतलब आडभइस दौ कि मुझ मोर आखि क्लोज करके जीति जापार आखि बंद करके जीति जापार एक मुझे जाने बिलीव मी एट जेसी ओवेन्स रिप्लाय कर बिलीव मी आई नो इट मत विश्वास कर मुझे एक जाने आई टोल हिम एक मुझे कहली एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन आ एक कहबारे टी भल फिल थाए गुड फिल थाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स वी टॉक टुगेदर तार परवर्त कि मिनिट पर्यंत आम एकाठी कथबार्ता कलु आई डिड नॉट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी मुझ लॉन्ग को कहली लॉन्ग मीन्स लज लॉन्ग आई डिड नॉट टेल लॉन्ग मुझ लज लॉन्ग कहली व्हाट वाज ईटिंग मी मत कौन खाई जाऊला मत कौन चिंतित रखुला से कथा मुझ लज लॉन्ग को कहली ना बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर किंतु से मोर क्रोध बुझला भली प्रतीत होते बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर किंतु से मोर क्रोध को बुझला भली प्रतीत होते एंड ही टुक पेन्स टू रिअश्योर मी आते आश्वस्त करने कष्ट उठेले एंड ही टुक पेन्स टू रिअश्योर मी आते आश्वस्त करने बार मो चिंता को दूर करने से कष्ट उठेले एगेन कहे एटी कहगला से कहते एंड ही टू पेन टू रिअश्योर मी हि मैंने किए लज लंग लज लंग जेसी ओवेन्स कष्ट को दूर करने रिअश्योर करने आश्वस्त करने कष्ट उठेले अल्दो ही हाड बीन स्कूल्ड इन द नाजी युथ मुवमेंट ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमासी बिजनेस एनी मोर दैन आई डीड तो जेसी ओवेन्स कहते अल्दो ही हाड बीन स्कूल्ड इन नाजी युथ मुवमेंट जदिव से नाजी जुब आंदोलन पार्टिसिपेट कर स्कूल्ड स्कूलिंग तार थिला स्कूलिंग नाजी युथ मुवमेंट रही आसाला जदिव से नाजी युथ मुवमेंट समय शिक्षालाभ कर स्कूल रे तथापि ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमासी बिजनेस एनी मोर से आर्यन सुपरमासी बिजनेस को बिलीव करूला जे आर्य मैंने श्रेष्ठ आर्यन सुपरमासी मीन्स कौन आर्यन ओ आर सुपीरियर तो आर्य मैंने श्रेष्ठ ए बिजनेस को ए व्यापार को से विश्वास करू नथिला देन आई डिड जेतकी मु करूथली जेतकी मु भाबुथली सेतकी से आर्यन सुपरमासी बिजनेस को बिलीव करू नथिला जदियो से नाजी युथ मुवमेंट रे पार्टिसिपेट करी आसीथिला अंश ग्रहण करी आसीथिला। अगेन कहू पिला माने ऑल्दो ही हैड बीन स्कूल्ड इन द नाजी युथ मुवमेंट जदियो से नाजी युथ मुवमेंट नाजी युव आंदोलन रे से भाग नहींथिला स्कूल समय रु तथापि He did not believe in the Aryan supremacy business. तथापि से आर्य मैंने श्रेष्ठ यही व्यापार को से विश्वास करू नथिला एनी मोर देन आई डीड जेतिक मुँ भावुली से विश्वास करू नथिला आर्यन सुपरमासी बिजनेस को क्लीयर वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही रियली लुक्ड द पार्ट दो तो नेक्स्ट लाइन पिला मैंने कहगला वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट आम से फैक्ट को लेकिन से ही सच्चाई को लेकिन आम हसिलू जे हि रियली लुक द पार्ट दो से रियली जानी पारुथला हि रियली लुक द पार्ट माने कौन से रियली सबकि बुझी पारुथला जे व्हाट वाज ईटिंग मी जे मते कौन खाई जाऊची आ मते कौन चिंतित रखुची से कथा से बुझी पारुथला भले लागुथला ठीक अच्छे। एन इंच टलर देन आई से मोठू गोटे इंच डेगा
he had a lean muscular frame. तार गोटे लीन पतला मस्कुलर गोटे मांसपेशीय फ्रेम थिला बॉडी थिला तार पतला मांसपेशीय बॉडी थिला क्लियर ब्लू आईज और स्वच्छ नील रंगर आखि थिला फेयर हेयर सुंदर चुट्टी थिला केश थिला एंड ए स्ट्राइकिंग हैंडसम फेस आ गोटे आकर्षणीय सुंदर मुह थिला ठीक अछि एंड ए स्ट्राइकिंग हैंडसम फेस एवं गोटे आकर्षणीय सुंदर तार मुह थिला फाइनली सीइंग दैट फाइनाली तो पिला नेक्स्ट देखा फाइनाली सींग दैट आई हाड कम डाउन सम व्हाट ही पॉइंटेड टू द टेक बोर्ड तो परिशेष देखला सींग दैट देखला जे आई हाड कम डाउन मु शांत पड़ी जाइली सम व्हाट कौन सी प्रकार मुझे शांत पड़ जाए देखिकी परिशेष से कौन कला ही पॉइंटेड टू द टेक बोर्ड से टेक बोर्ड आड़क निर्देश कला टेक बोर्ड आड़क पॉइंटिंग कला आंगुली निर्देश कला टेक बोर्ड को देखला मत और से कहिला लुक्ड ही सेड कहिला देख व्हाई डोंट यू ड्रॉ ए लाइन ए फ्यू इंचेस एट द बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर तो से कहिला लुक देख व्हाई डोंट यू ड्रॉ ए लाइन ए फ्यू इंचेस एट द बैक ऑफ द बोर्ड तुम्हें कहीं ये जो बोर्ड पछरु ये जो टेक बोर्ड अच्छी जोड़ू की जंप करा जाए तार किसी इंच पछर तुम कौन पाई गोटे लाइन टाणु न किसी इंच पछर कौन पाई गोटे गार तुम टाणि दौ न एंड एम आर्ट मेकिंग योर टेक अप फ्रॉम देयर आउ तुम से कौन पाई लक्ष्य रखुन से जंप करवाई तुम्हें कहीं लक्ष्य रखुना बोली से सजेस्ट कला मैंने से कहला तुम्हें कौन पाई जो टेक बोर्ड अच्छी तरह गोटे इंच पछर गोटे लाइन टाणि दि आठ तुम जंप करने ट्राए कर बोली से कहला क्लीअर यू विल बी सियोर नट टू फाउल एंड यू सटनली ऑट्स टू जंप फॉर फार एनफ टू क्वालिफाय तो से कौन यू विल बी सियोर नट टू फॉल तुम्हें निश्चय होगा दरकार जमी तुम खेल असफल न हुआ यू विल बी सियोर नट टू फॉल तुम्हें सियोर होगा दरकार तुम्हें जमी यार रूल को ब्रेक न कर नट टू फॉल नट टू फॉल मीन्स तुम्हें जमी रूल को ब्रेक न करवा डोंट ब्रेक द रूल मैंने नियम को जमी तुम न भांग से तुम सियोर रुह नियम हूँ कौन टेक बोर्ड रु जंप करवा तो तेणु तुम ये नियम को जमी न भांग से तुम सियोर होगा दरकार एंड यू सटनली ऑट टू जंप फार एनफ टू क्वालिफाय आम निश्चय एंड यू सटनली ऑट टू जंप फार एनफ टू क्वालिफाय तुम बहुत दूर तक डिस्टेंस बहुत दूर तुम जंप कर पार और तुम क्वालिफाय हो पार एथिरे तुम निश्चित रुह बोली से एडवाइस करुछंती व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स ठीक अच्छे फिर से कहुछंती व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल जदि तुम ट्रायल रे फास्ट न आसिल तो कौन मैटर अच्छे कथा कौन जदि तुम फास्ट न आसिल ट्रायल रे फिर चिंता करिवार कौन अच्छे टुमरो इज व्हाट काउंट जहाँ किसी भी काउंटिंग हम से काली तो काउंटिंग हम ना जेहेतु आज हूँ ट्रायल मैच काली हूँ फाइनाल मैच तेणु जदि तुम ट्रायल रे फास्ट न आसिल व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फास्ट इन द ट्रायल जे तुम ट्रायल रे फास्ट न आसिल तो कथा कौन टुमरो इज व्हाट काउंट जहाँ किसी काउंटिंग हम से काली ही काउंटिंग हम ठीक अच्छे जहाँ किसी भी गणना हम से काली ही गणना करके नेक्स्ट देखा कौन है सडनली ऑल द टेंशन सीम टू अबाउट ऑफ माय बॉडी तो हठात जिते सब टेंशन थिला जिते सब चिंता थिला मो मन रे से कौन प्रतीत है जे सीम टू अबाउट ऑफ माय बॉडी मो शरीर दूरे गला भली प्रतीत है अबाउट मीन्स मूविंग अवे एफ आउट इफ आउट मीन्स मूविंग अवे दूरे जीवा ओके तो सडनली ऑल द टेंशन सीम टू अबाउट ऑफ माय बॉडी तो हठात सब प्रकार चिंता मो मन रु दूरे गला भली प्रतीत है एज द ट्रुथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी जेहेतु से जो सत कथा कहला एज द ट्रुथ अफ व्हाट हि सेड से जहाँ कहला तार सत कथा मत प्रभावित कला हिट मी मैंने मत आघात कला तमें मत प्रभावित कला से कही सत्य कथा मत प्रभावित कला तेणु मो मन में जिते भी टेनसन थी सबकि दूरे गला तब नेक्स्ट देखा कौन हो कन्फिडेंटली आई ड्र्यू ए लाइन ए फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड एंड प्रोसीडेड टू जम्प फ्रम देयर तापर मु कॉन्फिडेंस रो सहित मु कोन कली गोटे लाइन मु टाणिली ए फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड से टेक अप बोर्ड पूरा पूरी गोटे फुट पछर मु गोटे लाइन टाणिली एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर और सेठू जंप करिया पई मु आगे गली ओके
एवं सेठ मु जंप करे पे माडी गली प्रोसीडेड प्रोसीडेड माने कोन आगे जीवा आगु को जीवा हला तो अगेन कोच पिला माने आई ड्रू ए लाइन ए फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड मु से बोर्ड पूरा पूरी पछरु गोटे लाइन टानली एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर आ सेठ मु जंप करे पे आगे गली आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर आउ मु क्वालिफाई करी गली आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर माने गोटे फुट अधिक जंप करी मु क्वालिफाई करी गली आ से जंप रे जेसियंस केमती क्वालिफाई करले ना पूरा पूरी गोटे फुट आगवाट से डेंकी अधिका डेंकी से कौन कले ना क्वालिफाई करी गले क्लियर पिलेमन जार किसी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करी पचारी पार जो मैंने आम चैनल को नुआ आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन भी प्रेस कर दि जहाद्वर कि मुझे जितने किसी लाइव भिड करी तो नोटिफिकेशन फास्ट तुम पाखे पहुँची जब और जो मैंने फेसबुक पेज को लाइक करना फेसबुक पेज रो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिखाई फेसबुक पेज को लाइक कर नि ओके तो पिला ग्लोसरीज किसी देखा ग्लोसरी कहे ईटिंग ईटिंग मीनस एजिटेटिंग समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू मीन समथिंग मस्ट बी एजिटेटिंग यू कि जिन तुमको चिंतित रखुच्छी और समथिंग मस्ट बी ट्रबलींग यू ट्रबलींग भी हो पार चिंतित रखा ठीक अच्छे देन डिस्कस्टेडली अलरेडी मुझे कही विरक्त प्रकाश करवा विथ ए स्ट्रंग फिलिंग अफ डिसलाइक ठीक अच्छे ना पसंद करवा दृढ़ भाव में ना पसंद करवा मानते विरक्ति प्रकाश करवा दे रिअश्योर रिअश्योर मैंने कौन आश्वस्त करवा ठीक अच्छे अलरेडी मुझे सारी टू से समथिंग टू मेक समबडी लेस फ्राइटन जे कहार भय को कम करने किसी कथ कह रिअश्योर तमें आश्वस्त करवा ठीक अच्छे तार चिंता दूर करवा क्लीअर पे यूनिट टू कम्प्लीट हो नेक्स्ट क्लास में आम यूनिट थ्री देखा जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दि बेल आइकन प्रेस कर दि यूनिट वन जो मैंने देखे यूनिट वन फर्स्ट देख यूनिट थ्री डिस्क्रिप्शन यूनिट थ्री लिंक भी तुम डिस्क्रिप्शन में पाइव ओके थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच।